आज पहला नवरात्रा है। आमतौर पर नवरात्रों में मंदिरों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं है। आज पहला नवरात्रा है, इसके बावजूद आज श्रद्धालुओं की भीड़ कम है, क्योंकि दो साल से कोरोना महामारी के चक्कर में मंदिरों में गाइडलाइंस जारी की गई थी। इस बार गाइडलाइंस भी जारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की भीड़ कम दिखाई दे रही है। रणवीर जी, आज नवरात्र का पहला दिन है, किस तरह से भक्तजन आए हुए हैं आज? खूब आ रहे हैं भाई, सुबह से अब तक कितने आ चुके हैं वैसे पूजा करने? सुबह यहाँ से 5:30 बजे खोले हो, भीड़ मंदिर की देख रहे कहाँ पे रखते हैं? अच्छा, तो नवरात्रों के किस प्रकार से पूजा पूजन की जा रही है? बढ़िया करी, जोत बाटी हरी, नवानो दुवानो है अपने काम है, खूब बढ़िया। अच्छा, आराम से कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विमलेश जी, आप मंदिर आए पूजा करने के लिए आए, किस प्रकार से पूजा की जाएगी आज? माता की पूजा करेंगे। हाँ, माता को क्या नाम है, जो जगाते हैं, भोग लगाया जाता है, चुन्नी उड़ाई जाती है, श्रृंगार किया जाता है। तो नवरात्र है, 9 दिन व्रत रहेंगे आप? हम तो नहीं रहते हैं, लेकिन मतलब हम बहू रहते हैं नवरात्र। तो डेली मंदिर आ? हाँ, देख लेते हैं, कई बार डेली भी आ जाते हैं, नहीं तो शाम को कीर्तन होता है मंदिर में माता का, तब आते हैं। तो काफी उत्साह दिखाई दे रहा है नवरात्रों को लेकर। हाँ। क्या नाम है आपका? आज मंदिर पहुँचे हो पूजा करने के लिए, क्या क्या हो गया? ये माता की पूजा करेंगी, माता का श्रृंगार होता है, मैया के बता से भोग होता है मैया का, और सभी भगवान की पूजा करते हैं उसके बाद। और कोरोना के टाइम में पूजा नहीं हुई थी, सब मंदिर बंद रहे थे, तो कोरोना नहीं है तो इसलिए सब मंदिर आना शुरू हो गया, सबकी अच्छे से पूजा। काफी उत्साह दिखाई दे रहा है मंदिर में, अच्छे से भगवान की अच्छे से पूजा हो रही है। पहले कोरोना टाइम में मंदिर में नहीं आ रहा, मंदिर बंद रहे थे, पूजा नहीं करने दी थी, पर अब अच्छे से पूजा हो रही है, बढ़िया बढ़िया अच्छी पूजा कर रहे हैं भगवान की। व्रत भी रखा हुआ है, आराम व्रत रखा हुआ है। रंजना जी, आज मंदिर में पहुंचे पूजा करने के लिए, नवरात्र का पहला दिन है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, पहले कोरोना की वजह से नवरात्रों में मंदिरों में दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार बहुत राहत है। अच्छा, राहत है जी। तो किस तरह से पूजा की जाएगी माता रानी की? माता की पूजा में हम सबसे पहले उनकी मूर्ति स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं, अच्छा वस्त्र वगैरह दान करके इस तरह से पूजा करते हैं। 9 दिन व्रत भी रहा जाता है, आप व्रत ही हो? जी। 9 दिनों तो काफ़ी उत्साह देखने लगा है।